नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण रास्ते। नीट परीक्षा को लेकर के पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, छात्र उग्र हो चुके हैं। बीते दिन ही कांग्रेस ने एक बड़ा देशव्यापी प्रदर्शन किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और कई कई खुलासे भी हो रहे हैं। बिहार की बात कर ले तो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले संजीव मुखिया उर्फ लूटन और उसके बेटे शिव कुमार पर नीट परीक्षा का पेपर लीक कराने का एक बड़ा आरोप लगा है। शिव कुमार पहले से ही बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। बिहार पुलिस संजीव मुखिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी वह फरार चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि बेटे और पिता ने अपने गाँव के आसपास पूरे पंचायत का नाम बदनाम कर दिया है, मिट्टी में पलीत कर दिया है। पुलिस को शक है कि इस मामले में नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के भूतहारा खाव गांव के संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव कुमार भी शामिल है। शिव कुमार पहले से ही बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। पुलिस उसे कभी भी पूछताछ के लिए नालंदा ला भी सकती है। संजीव मुखिया उर्फ लूटन का नाम 2016 में सिपाही भर्ती परीक्षा से लेकर के बीपीएससी समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में सामने आ चुका है। वह जेल भी जा चुका है, लेकिन आदतन आरोप फिर लगा है। संजीव मुखिया पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। उस पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। उसका बेटा शिव कुमार को बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। गांव वालों का अब यह कहना है कि संजीव मुखिया ने पैसे के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई। अपनी पत्नी ममता कुमारी को हरनौत विधानसभा से एलजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ाया था, हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर से देश भर में हंगामा मचा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि उन्हें परीक्षा से महज 24 घंटे पहले ही पेपर मिल गया था। उन्हें पेपर हल करके उत्तर भी रटवाए गए थे। इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें एक बड़े नेटवर्क और साजिश की बू आ रही है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पटना पुलिस की तारीफ खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पटना पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचने में कामयाब होगी। ईओयू के एडीजी की जांच रिपोर्ट के साथ मंत्रालय ने तलब किया है। अब तक की रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला भी ले सकता है। और अब तक इस मामले में बिहार में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 5 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के नीट जैसे एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह की बड़ी धांधली होना देश के लिए दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद, जब रिजल्ट ये सामने आया, कैबिनेट का वितरण होने के बाद जब ये रिजल्ट सामने आया, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर भी लगता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर लगाम कैसे कसती है, क्योंकि लगातार सिर्फ नीट ही नहीं, इससे पहले भी कई पेपर लगातार लीक होते चले जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी, एक छात्र के जीवन से खिलवाड़ इस तरह कब तक चलेगा, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।